हाँ जी किदा सारे आप है जी हूँ लेह लद्दाख के हूँ मैं जा रहा जी इतने एक इतिहासिक गुरुघर है गुरुघर का नाम है पत्थर साहिब जो पत्थर साहिब गुरुघर है ये हैगा इतों लेह तो 23-24 किलोमीटर है जो इतों आप जाने जम्मू वल तो जे आप जम्मू तो इधर आना लेह वल फिर लेह पहुँचने तो पहला 23-24 किलोमीटर आता हाईवे के उ हर एक तरह का प्रबंध है मतलब नहाने वास्ते वधिया प्रबंध है गर्म पानी मिल जाता अड़े इत्थे हैगे वधिया वॉशरूम बने हुए है गर्म पानी नाल वधिया नहा सकते हैं तो मैं भी सोचा भी चल पहला नहा लीए नहा के तो उस तो बाद आप अंदर मत्था टेकते हैं तो आप लीए अपने नहाने वाला समान पहला अपना चक लीए उस तो बाद होर की चाहिए होगा अपन और आप बॉडी लोशन का नहीं काम हजे कंडीशनर लै लें शैंपू लै लें तो बॉडी वॉश तीनों चीज़ा आप लै लिया तो थोड़ा जहा समान आप चाहिए होगा ये भी आप लै लिया चलो जी नहा के तो उस तो बाद जाने गुरु घर तो गल करांगे आप इतिहास के बारे जो गुरु घर का की इतिहास आ चलो आप स्नान कर लिया इतने बहुत ही वधिया सिस्टम सी गर्म पानी सब कुछ है जिदा कि मैं पहला भी दस्या सीगा जे तुसी जम्मू वाली साइड तो आने हो तो लेह पहुँचन तो 23-24 किलोमीटर पहला है तो हुण गल करदे आप इतों के इतिहास बारे मैनू जिन्ना क पता जा जिन्ना क मैं सर्च कर पाया उन्ना क मैं दसूँगा तो जे कुछ गलत हो जाए जै कोई गलती हो मैं पहले ही माफ़ी मांगदा इत्थे गुरु नानक देव जी सिक्किम तो हुंदे हुए जम्मू गए सीगे 15वीं सदी च ते उदों इत्थे गुरु नानक देव जी रुके आ जदों इत्थे रुके आ ते इत्थों दे मतलब लोकल लोग आ ओह दसदे आ वी उन्होंने दस्या कि इत्थे तो कोई राक्षस जां कुछ इदां दा हैगा सी जो कि लोकल पीपल लोगों नूं बहुत ज़्यादा तंग कर रहा सीगा तो जो गुरु नानक देव जी इतने बैठे जा आपका नितनेम कर रहे थे रब का नाम लै रहे थे वो राक्षस ने की किया उत्तों पहाड़ तो एक पत्थर थले सट्टा और जो पत्थर आ के गुरु नानक देव जी के ढूई ते लग्या लक ते लग्या तो उहदा की होया वो उत्थे उन्हां दा निशान बन गया तो वो उदा ही बैठे रहे बाबा जी उदा ही बैठे रहे है तो एक मोम ही बन गया वो पत्थर जिहड़ा सीगा तो वो राक्षस दोबारा आया दोबारा आ के उन्हें देखा भी यह की होया उन्हें दोबारा आके की किया आ के उन्हें वो पत्थर चक के उन्होंने पैर ते ला मारिया वो सेम उही चीज़ फिर उदा ही हो गई फिर वो आके राक्षस आके उत्थे बैठ जाता उन्होंने तो माफ़ी मांगता ज कुछ कहता फिर उदो बाबा जी या गुरु नानक देव जी ने उन्होंने कहा भी तू इत्थे लोकल लोगों को तंग ना करया कर तू जो आपका काम करना बस इतों पासे हो जा उस तो बाद गुरु घर बनया तो उदों तो यह गुरु घर हैगा आ तो उतों ही नाम पत्थर साहब रख्या गया जिन्ना क मैं पता सीगा वह मैं दसता जे मैं कुछ गलत हो तो वो मैं माफ़ी मांगना हाँ बाकी आप अंदरों जाके दर्शन करते हैं देखते हैं जो ये गुरु घर ये मतलब आर्मी के द्वारा ही मेनटेन किया जाता जां लोकल लोगों के द्वारा मेनटेन किया जाता है आप अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं गुरु घर के इतने जिन्हें भी लोग ऑलमोस्ट जिन्हें क्रॉस करते हर कोई इतने आके मतलब मत्था टेक के लंघता है इतों अंदर एंटर होंगे राइट साइड से जूता घर उत्थे आप जोड़े जमा करा दें मैं बाई जी होना गल की तो ये कहते भी कोई गल नहीं तुसी वीडियो शूट कर सकते हो शुक्रिया बाई जी बहुत बहुत तुसी परमिशन दी जी सत श्रीकाल बाई जी ये जो गुरु घर अपने है जी आर्मी द्वारा ही सारा मेनटेन किया जाता जी इंडियन आर्मी द्वारा ठीक है जी ठीक ठीक है आप सामने अंदर दर्शन करते हैं गुरु घर के देखो जी अंदर सारा गुरु घर जिन्ना को हो सके आप कैप्चर करांगे आप इतने दर्शन कर सकते हैं गुरु घर पत्थर साहिब के मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल पाऊँगा जो पत्थर है जोड़ा जो भी होया जो उत्तों सीटिया गया से यही नहीं करो दर्शन जी इन्हें धन्यवाद धन्यवाद।
जिन्ना मैक्सीम हो सके मैं कैप्चर करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं दर्शन करवा सकाँ। इदा कि जिदा थोनों मैं पहला दसिया जो राक्षस ने उत्तों पत्थर थले सटिया तो गुरु नानक देव जी के मतलब लक से आके लगे सगा वो इदा ही निशान से तो हूँ भी इदा ही पाया। इतने तुम देख सकते हो जी जिन्हें भी सेवादार ने सारे सेवादार आर्मी के ही ने। इतने मतलब लंगर हाल है जी, लंगर हाल के सारे इदा ही प्रशादा भी जो प्रशादा बना रहे हैं सारे आर्मी ही है, आर्मी के द्वारा ही मेनटेन किया जाता है। तुहानूं इह व्लॉग किदां दा लग्या प्लीज़ मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ, ते जे कोई भी चीज़ चंगी लगती है उहनूं अगे शेयर जरूर करिया करो।